दोस्तों आज की डेट में क्रेडिट कार्ड तो हर किसी को चाहिए, हर किसी के अलग अलग यूज हैं। कई लोग क्रेडिट कार्ड इसलिए बनवाते हैं कि उन्हें इमरजेंसी फंड मिल सके, कई लोग स्टेटस मेंटेन करने के लिए बनवाते हैं, तो कई लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि बनवाना तो चाहते हैं लेकिन उनका क्रेडिट कार्ड बनता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं ना, और फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड मिलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। साथ के साथ कई लोगों का सवाल मेरे पास आया कि भाई मेरे पास तो चार चार पांच पांच क्रेडिट कार्ड थे, कोविड के समय पे मैंने सारे सबमिट कर दिए, अब मैं क्रेडिट कार्ड बनवा रहा हूं, मेरे क्रेडिट कार्ड बन के नहीं आ रहा है, मैं हाउस वाइफ हूं मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं बनना, मैं स्टूडेंट हूं मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं बनना। तो दोस्तों आपको आज इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट क्रेडिट कार्ड होता है वो बनवाना बहुत ही टफ होता है, क्योंकि आपका जो सिविल है वो जनरेट नहीं हुआ होता है, और बैंकें क्या करती है, जिनका सिविल जनरेट नहीं होता है उन्हें क्रेडिट कार्ड नहीं देती है। तो क्या हम ये मान लें इस कंडीशन में हमारा कार्ड नहीं बनेगा? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, आपका कार्ड तो बनेगा, लेकिन आपको सही रास्ता यानी कि सही तरीका आपको पता होना चाहिए कि आप अपना क्रेडिट कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आपका सिविल जनरेट नहीं होता है यानी कि आप या तो 18 प्लस अभी अभी हुए हैं या फिर आपने अभी तक कोई फाइनेंस नहीं कराया, कोई छोटा मोटा लोन नहीं लिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो सिविल होता है वो जनरेट नहीं होता है। और जो सिविल होता है, मैं आपको बता दूं, बैंकिंग की लाइन में जो सिविल होता है वो आपकी एक तरीके से इमेज होती है, यानी कि आपका लेन देन कैसा है, आप टाइमली पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या आपने कहीं ज्यादा लोन तो नहीं ले रखे, कहीं ज्यादा आपने कर्जा तो नहीं ले रखा, ये सारी की सारी रिपोर्ट आपकी सिविल रिपोर्ट में अपडेट होती रहती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड बनना है और सिविल रिपोर्ट जनरेट नहीं हुई तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो है ना, मैं आपको बता दूं कि आपके जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है उन्हें ओके रखना है, यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल मैच करनी चाहिए। साथ के साथ आपने सुना होगा गवर्नमेंट ने आधार और पैन को आपस में लिंक कर दिया है, तो लिंक होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कैसे लिंक करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगी जहां पर हमने बताया कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें। तो दोस्तों वापिस आते हैं हम अपनी वीडियो पे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखने हैं, इसके अलावा आपकी जो एज है 18 प्लस होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बैंकें जो है 18 प्लस को क्रेडिट कार्ड दे देती है, तो कुछ बैंकों के अंदर ये गाइडलाइन 21 साल प्लस है यानी कि 21 प्लस है। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ओके कर लेने हैं, देन उसके बाद मार्केट में अलग अलग टाइप के बहुत सारे कार्ड हैं, उन कार्डों में से सिलेक्ट करना है एक कार्ड। अब वो एक कार्ड कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप फर्स्ट टाइम यूजर होते हैं क्रेडिट कार्ड के, फर्स्ट टाइम आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं पता होता क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि लाइफ टाइम फ्री कार्ड चूज कीजिए। मार्केट में बहुत सारे कार्ड जो है जो लाइफ टाइम फ्री है, आपको मैं बता दूं उन्हें चूज करने का बहुत आसान तरीका है, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए उनके बारे में, वहां पर आपको मिल जाएगा कि लाइफ टाइम फ्री कार्ड कौन से ऐसे कार्ड हैं जिनकी ज्वाइनिंग या फिर एनुअल फीस नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कई कार्डों के अंदर ज्वाइनिंग फीस होती है या फिर एनुअल फीस होती है, तो ऐसा कार्ड आपको चूज करना है जिसके अंदर ज्वाइनिंग और एनुअल दोनों ही ना हो, और कोशिश करिए कि अगर सेकंड ईयर भी ना हो तो बहुत ही अच्छा है, यानी कि लाइफ टाइम फ्री कार्ड अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं मार्केट में कुछ कार्ड है जो लाइफ टाइम फ्री है, जैसे कि आपको मैं बता दूं एक एक्सिस बैंक का कार्ड है, फ्लिपकार्ट, इसके अलावा आप अगर जाते हैं आईसीआईसीआई में तो आपको अमेजोन कार्ड मिल जाता है, ऐसे ही आपको आरबीएल का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, और इसी तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। साथ के साथ कई ऐसे ऑप्शंस हैं जैसे कि मैं आपको बता दूं वन कार्ड जैसे, जो कि लाइफ टाइम फ्री कार्ड है और उनके ज्वाइनिंग और एनुअल चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये तो हमारे कार्ड चूज कर लिया हमने, एक कार्ड उठा लिया जो कि लाइफ टाइम फ्री है, अब इसके बाद क्या? तो दोस्तों इसके बाद आपको चूज करना है आपकी जरूरतों के हिसाब से कार्ड, कि आपकी जरूरतें कैसी हैं, यानी कि आप ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं, आप ट्रैवल ज्यादा करते हैं, आपकी एयर टिकट ज्यादा है या फिर आपकी रेलवे टिकट ज्यादा है या फिर आप ऑफलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं। साथ के साथ आपको मैं बता दूं क्रेडिट कार्ड के अंदर ऐसे ही बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी जरूरत के मुताबिक भी कार्ड निकालना होगा ताकि आप क्रेडिट कार्ड से कमाई कर सके। आपने बिल्कुल सही सुना है, हम यहाँ पर आपको यह भी बताएंगे क्रेडिट कार्ड से कमाई कैसे करनी है। भाई जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में आप कमाई भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपने अपनी जरूरत के हिसाब से पहले कार्ड लेना है, फिर उसके बाद आपको देखना है उसके फीचर्स, यानी कि अगर आप उस कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या मिलते हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा जो फर्स्ट टाइम यूजर है कि रिवॉर्ड पॉइंट होते क्या है। तो दोस्तों रिवॉर्ड पॉइंट एक तरीके से गिफ्ट होता है कि आप शॉपिंग करते हैं, गिफ्ट के तौर पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं जिसे आप रिडीम करके या तो कैश ले सकते हैं या फिर कोई शॉपिंग कूपन ले सकते हैं।
तो उस कंडीशन में भी क्या है कि आपको एक तरीके से बचत मिल रही है, तो आपको सबसे अच्छा कार्ड ढूंढना है, लाइफ टाइम फ्री कार्ड ढूंढना है, अपनी जरूरत के हिसाब से कार्ड ढूंढना है, जो ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट दे वो कार्ड ढूंढना है। जब ये सारी चीजें आपकी फुलफिल हो जाती हैं तो आपको क्या करना है, कार्ड अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बिगिनर हैं, आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, 18 साल एज है, आपका कोई सिविल अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, तो आपके लिए अभी मार्केट में जो बेस्ट कार्ड है वो वन कार्ड है। तो आपने सुना होगा वन कार्ड की बहुत सारी एड आ रही है कि फर्स्ट जो है ये मेटल कार्ड है। दोस्तों, मेटल या फिर प्लास्टिक कार्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उसके यूजेस के हिसाब से या फिर उसके फीचर्स के हिसाब से। तो मैं आपको बता दूं, जब आप वन कार्ड अप्लाई करते हैं तो वन कार्ड अप्लाई करते समय आपकी डिटेल मांगी जाती है, आपका आधार नंबर मांगा जाता है, पैन नंबर मांगा जाता है, ईमेल आईडी मांगी जाती है, मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो जब भी आप इसे प्रोसीड करते हैं वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। अगर आपका कोई भी ऐसा सिविल डिफॉल्ट नहीं है तो आपको मिनिमम एक अमाउंट का जो है क्रेडिट मिल जाता है उसमें, तो आपका क्रेडिट कार्ड बन जाता है। सपोज आपको अगर वहां पर आपका क्रेडिट स्कोर माइनस में है, लो है, अब बात आती है कि भाई माइनस है लो है, अब मैं क्या करूं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड जो है सबमिट कर देते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि क्रेडिट कार्ड तो थे लेकिन सबमिट कर दिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका सिविल स्कोर होता है वो डाउन कर जाता है, डिप कर जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको कोई भी बैंक कार्ड देने को तैयार नहीं होती है। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम वन कार्ड में जाएंगे, अप्लाई करेंगे, आपको वहां पर जो कार्ड है वो इनसिक्योर कार्ड नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी आपको ये इनसिक्योर और सिक्योर कार्ड के बारे में भी हमने वीडियो बना रखी है, अगर वो भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, जो सिक्योर कार्ड है वो सिक्योर कार्ड आपको मिलता है एफडी के बेस पे, और इनसिक्योर कार्ड जो मिलता है वो मिलता है आपको लाइफ टाइम फ्री कार्ड होते हैं, बगैर किसी गारंटी के आपको कार्ड मिलता है। तो आपको बता दूं, अगर आपको इनसिक्योर कार्ड नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करेंगे, वहां पर आपके पास एक और ऑप्शन आता है सिक्योर कार्ड का, यानी कि आप एक एफडी कराते हैं, एफडी कराने के बेस पे आपको कार्ड मिल जाएगा। तो वन कार्ड के अंदर दोस्तों एक अच्छी चीज क्या है, वन कार्ड जो है वो 2000 की एफडी से स्टार्ट हो जाता है, और सबसे प्लस पॉइंट अगर आप 2000 की एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड की लिमिट लेते हैं तो आपको 2200 रुपए तक की लिमिट मिल जाती है। हालांकि एफडी की कोई लिमिट तय नहीं है, आप 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 कितनी भी करा सकते हैं, लेकिन उस पे आपको 110% की लिमिट मिलेगी। अब इससे फायदा यह रहेगा दोस्तों, कई लोगों के मन में सवाल आएगा, ये तो हमने ही एफडी करा ली और अपने पैसे यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। एक तो आपने जो एफडी कराई है प्लस जो आपको क्रेडिट लिमिट मिली है, एफडी पे आपको जो यहाँ बेनिफिट मिलने वाला है वो एफडी का ब्याज मिलना है 7-8% का, साथ के साथ उसे ही आप यूज भी कर रहे हैं क्रेडिट लिमिट में, और जब उससे आप लेना देना सही टाइम पर करेंगे, टाइमली लेना देना करेंगे, तो आपका जो सिविल स्कोर है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने के बाद आप कोई भी इनसिक्योर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बैंक का, आपके ऑफर्स बहुत सारे आने लग जाएंगे, साथ के साथ आपको लोन के ऑफर्स मिलने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना फर्स्ट कार्ड बनवा सकते हैं, पहला या तो आपको इनसिक्योर कार्ड मिल जाए आपकी सिविल के बेस पे, दूसरा या तो आपको एफडी के बेस पे आपका कार्ड मिल जाए। तो इस तरीके से आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे हाउसवाइफ हैं, और चाहे आपका सिविल डाउन है, तो भी आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और अपने सिविल को उठा के और भी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको मिले सबसे पहले।